महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। ईश्वर कर्म से मुक्त है, अतः वह अपने प्रिय से प्रिय मनुष्य के लिए भी स्वयं कर्म नहीं कर सकता। यह गुरु की महिमा है कि शिष्य जो कार्य अपनी क्षमता से ना पूरा कर सके, उसे शिष्य के लिए पूर्ण करने में सहायता करें। गुरु के होते हुए शिष्य अपनी समस्त उपलब्धियों का श्रेय पूर्ण रूप से गुरु कृपा को ही देकर समस्त प्रकार के अहम एवं अन्य विकारों से स्वयं को अछूता रख सकता है और सब प्रकार से कल्याण को प्राप्त होता है। सतगुरु के चयन के बारे में विस्तृत जानकारी न देकर मुझे बाबा नीप करोरी को गुरु रूप में धारण करने का आदेश दिया, क्योंकि उन्होंने सन 1973 में निर्वाण प्राप्त कर लिया है। अतः उनकी सेवा या कृपा प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, इस जन्म में एक बार उनके स्थान पर गुरु धारणा तथा गुरु मंत्र प्राप्ति के लिए जाना आवश्यक होगा। मेरी प्राप्ति भी तुम्हें उन्हीं की कृपा से हुई है और तुम्हारे कई जन्मों की योग साधना उन्हीं के मार्गदर्शन एवं कृपा का सहज परिणाम है। निर्वाण प्राप्ति के बाद गुरु मंत्र कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस अहम प्रश्न के उत्तर में मुझे औरा किरणों की साधना का आदेश दिया, जिनके द्वारा किसी भी सिद्ध आत्मा को वायुमान शरीर में पृथ्वी पर बुलाया जा सकता है। आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के बाद मैं तुरंत कानपुर आया, जहां मेरे परिवार के काफ़ी लोग रहते थे और सबको अपना आशय बताकर मैंने गुरु महाराज को अपना गुरु तुरंत मान लिया। ठीक वैसे ही जैसे सावित्री ने सत्यवान को अपना पति माना था। तत्पश्चात तुरंत औरा किरणों की साधना में लग गया। गुरु महाराज के स्मरण मात्र से शरीर रोमांचित हो उठा तथा हृदय में ऐसी अनुभूति हुई मानो जन्म जन्मांतरों से खोजी जा रही मणि सहज ही प्राप्त हो गई। कैची आश्रम के लिए हमारे परिवार की यह ऐतिहासिक यात्रा दिनांक 15 जून 1989 से प्रारंभ हुई। नैनीताल के लिए लखनऊ से काठगोदाम की गाड़ी शाम लगभग 8 बजे की थी। हम लखनऊ सवेरे ही पहुंच गए। सायंकाल हनुमान सेतु मंदिर में गुरु महाराज जी की प्रतिमा के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। 16 जून 1989 दोपहर को हम कैची आश्रम नैनीताल पहुँचे। प्रारंभ में ऐसा प्रतीत हुआ कि हम जिस आशा से आए थे वह सफल नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 15 जून को ही कैची आश्रम में वार्षिक महोत्सव एवं भंडारा होता है। इस कारण रुकने के लिए यहाँ कोई स्थान 16 जून को उपलब्ध नहीं था। हम लोगों को अधिकारियों द्वारा यह आदेश मिला कि हम स्नान आदि करके दर्शन कर वापस चले जाएँ, क्योंकि इस समय रुकने का स्थान किसी नए व्यक्ति के लिए नहीं है। जो लोग गुरु महाराज के समय से आते रहे हैं या जिन्होंने अपना कमरा बनाया हुआ है, वे ही इस समय रुक सकते हैं। स्नान करने के पूर्व ही तुरंत मैं समाधिस्थ हो गया और गुरु महाराज जी का ध्यान उनके एक चित्र के आधार पर करने लगा। साथ ही यह प्रार्थना करने लगा कि हे इष्ट देवता, के आदेश के अनुसार मैंने तो आपको अपना गुरु मान ही लिया है और ऐसा सुना है कि गुरु सदैव शिष्य के कल्याण के लिए सारी व्यवस्था अपने आप करता रहता है। इन विषम परिस्थितियों में बिना रात्रि में रुके हुए हम आपसे किस प्रकार गुरु मंत्र प्राप्त कर सकते हैं, यदि प्रश्न प्रार्थनाएं मैं करता रहा। इसी बीच कोई महोदय मंदिर से दौड़ते हुए आए कि गुरु महाराज ने विश्राम करते हुए किसी को सपने में यह आदेश दिया है कि मंदिर के बाहर रुके हुए तथा कानपुर से आए हुए प्रेम शंकर मिश्रा एवं उनके परिवार के ठहरने की व्यवस्था तुरंत की जाए। फिर तो जिसे देखो वही अपने कमरे में हम सबको ठहरा
ठहरवाने का निमंत्रण देने लगा। खैर, स्नान आदि के बाद हम एक कमरे में ठहर गए। पूर्व योजना के अनुसार दूसरे दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त के समय स्नान आदि के बाद औरा किरणों की साधना शुरू की। लगभग 15-20 मिनट के बाद गुरु महाराज ने अपने संपूर्ण वायुमय शरीर के दर्शन दिए। आज भी हमें याद है कि उस समय सारा वातावरण अनोखी खुशबू से भर गया था और मेरे शरीर का एक एक रोम पूर्ण रूप से रोमांचित हो उठा था। पूजा अर्चना के बाद गुरु महाराज ने गुरु मंत्र दिया एवं आशीर्वाद देकर विदा किया। प्रातः 9 बजे हमने कैंची आश्रम से विदा ली। यह लीला वैचित्र है। यह हनुमान जी अपनी ही प्रतिमूर्ति बाबा नीब करोरी को किसी विशेष कारण से गुरु बनाने का आदेश दे रहे हैं। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। रक्षा सूत्र चैनल को सभी भक्त सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो जय श्री राम।